नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ज्ञान गंगा पर। मैं हूं आपका अपना फेवरेट टीचर संदीप सर। दोस्तों, हमारा ये सेकंड लेक्चर है जिसमें हम मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को डील करेंगे, जो कि आईएएस, पीसीएस और यूपीएससी के डिफरेंट एग्ज़ाम्स या डिफरेंट डिफरेंट एग्ज़ाम्स, जहाँ भी आप मतलब जीके जीएस करंट अफेयर्स को डील कर रहे हों, ये प्रेजेंटेशन आपको हेल्प करेगा। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए अपना जीके जीएस करंट अफेयर का सेक्शन का सेकेंड लेक्चर, जो कि यूपीएससी सीएससी लेवल के बनाया गया है, जो आपको आईएएस, पीसीएस और अलग अलग एग्जाम से मदद करेगा, शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है, व्हेन वाज फिकी, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, स्टैब्लिश्ड। फिकी कब स्टैब्लिश हुआ था? तो आपको याद रखना है, फिकी स्टैब्लिश हुआ था 1927 में, ठीक है। ये एक नॉन गवर्नमेंटल और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। तो फिकी कैसी ऑर्गेनाइजेशन है? नॉन गवर्नमेंट और नॉट फॉर प्रॉफिट, ठीक है। नॉट फॉर प्रॉफिट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो 1927 में स्टैब्लिश हुआ था। इसका फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फिकी, FICCI। तो इसको आपको याद रखना है। क्वेश्चन यहाँ पे यही बनता है कि भाई इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1927 में, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या है, ये भी एक क्वेश्चन बनता है। तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है। ये कैसी ऑर्गेनाइजेशन है? नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। देखिए, एक ही पॉइंट में दो तीन क्वेश्चन बनते हैं, देख रहे हैं ना आप? तो एक ही पॉइंट में आपके दो तीन क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक। नेक्स्ट है दोस्तों, व्हेन राष्ट्रीय एकता दिवस इज ऑब्जर्व्ड, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय एकता दिवस जो है वो 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, और ये 2014 से, मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार पटेल की जो जन्मदिन है, उनका जन्मदिन है, उसको डिक्लेयर कर दिया गया राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में, और इनको जो है भारत रत्न भी मिला था 1991 में। तो हमें याद रखना, देखिए कई क्वेश्चन बनते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत रत्न मिला था कि नहीं मिला था, पहले तो ये जान लीजिए कि भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत रत्न मिला था और 1991 में मिला था, ये आपसे एक क्वेश्चन बनता है। दूसरा, उनका जन्मदिन किस रूप में मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। तीसरा, कब है? 31 अक्टूबर को। कब डिक्लेयर हुआ? 2014 में। तो देखिए, एक ही में फिर से बोला ना, तीन चार क्वेश्चन बनते हैं, देखिए एक ही में। तो आपको इसी तरह से हर पॉइंट को बहुत डिटेल में समझना है। आपको पता लग गया कि राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को मनाया जाता है 2014 में, इसके जन्मदिन को, मतलब इनके जन्मदिन को, सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन को डिक्लेयर कर दिया गया राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में, और सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या मिला था? भारत रत्न मिला था 1991 में मिला था। देखिए, कई क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ पर, सभी आप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, वेयर इज SRG टेलीस्कोप यूज, SRG टेलीस्कोप कहाँ यूज किया जाता है? सीधा क्वेश्चन बनता है दोस्तों, SRG टेलीस्कोप क्या है, कहाँ यूज किया जाता है? SRG टेलीस्कोप का फुल फॉर्म क्या है? स्पेक्ट्रम रोंजन गामा स्पेस टेलीस्कोप, याद रखिएगा, स्पेक्ट्रम रोंजन गामा स्पेस टेलीस्कोप इसका पूरा नाम है। ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि SRG का फुल फॉर्म क्या है? तो स्पेक्ट्रम रोंजन गामा स्पेस टेलीस्कोप इसका नाम है, और इसको यूज किया जाता है किस लिए? टू गेट 3D एक्सरे मैप ऑफ द यूनिवर्स, मतलब पूरे ब्रह्मांड का 3D एक्सरे मैप बनाने के लिए, 3D एक्सरे मैप प्राप्त करने के लिए SRG टेलीस्कोप का यूज किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं एक ही पॉइंट में। अगेन, SRG का फुल फॉर्म क्या है? एक क्वेश्चन ये बनता है, स्पेक्ट्रम रोंजन गामा स्पेस टेलीस्कोप, ठीक है। किस लिए इसका यूज किया जाता है? यूनिवर्स की 3D एक्सरे मैप बनाने के लिए, टू गेट अ 3D एक्सरे मैप ऑफ द यूनिवर्स। एक ये है कि मतलब पूरे ब्रह्मांड का 3D एक्सरे मैप बनाने के लिए SRG टेलीस्कोप यूज किया जा सकता है। तो कई क्वेश्चन बनते हैं, देखा ना आपने, मतलब ये पूरा पॉइंट आपको याद रखना अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, एशियन क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ये कई बार पूछ लेता फुल फॉर्म। कब स्टैब्लिश हुआ एशियन? 1967 में। कैसे? किसके द्वारा? बाय बैंकॉक डिक्लेरेशन और एशियन डिक्लेरेशन। तो एशियन डिक्लेरेशन का एक और नाम क्या है? बैंकॉक डिक्लेरेशन। तो देखिए, एक क्वेश्चन बनता है, एशियन का फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। कब स्टैब्लिश हुआ? 1967 में स्टैब्लिश हुआ। किसके द्वारा स्टैब्लिश हुआ?
एशियान डिक्लेरेशन या बैंकॉक डिक्लेरेशन के द्वारा। अगेन देखिए दो तीन क्वेश्चन, तो हर पॉइंट में हमने इस तरह से तैयार किया दोस्तों मैंने ये प्रेजेंटेशन कि आपको मतलब एक ही पॉइंट में तीन तीन चार चार क्वेश्चन मतलब डील आप कर पा रहे हैं, ठीक है। तो कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, वीडियो अच्छा लगे उसको शेयर करिएगा। नेक्स्ट बोल रहा है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी आर, भारतीय अर्थव्यवस्था के सेक्टर्स कौन कौन से हैं। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय अर्थव्यवस्था के सेक्टर्स कौन कौन से, भारतीय अर्थव्यवस्था को कितने भागों में डिवाइड किया गया, तो देखिए प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी, इसका एक और नाम रखा गया एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर। प्राइमरी को एग्रीकल्चर, सेकेंडरी को इंडस्ट्रियल और टर्शरी को सर्विस सेक्टर बोला गया, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि इंडियन इकोनॉमी को मेनली तीन सेक्टर्स में डिवाइड किया गया, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी, जिसका एक और नाम क्या है एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है कि इंडियन इकोनॉमी कितने सेक्टर्स है, मेनली तीन है, ठीक। क्वेश्चन यहाँ से ये बन जाता है एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों व्हाट आर ग्रीन हाउस गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन से, तो आपको पता होना चाहिए ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन से। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी हैं, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, मीथेन यानी कि CH4, नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि N2O, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स पर फ्लोरोकार्बन्स और सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF6। तो ये कई बार पूछा जाता है कि भाई इसमें से ग्रीन हाउस गैस है या नहीं है। तो आपको याद रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2, मीथेन CH4, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFCs, पर फ्लोरोकार्बन्स PFCs एंड सल्फर हेक्साफ्लोराइड, ये सारे ग्रीन हाउस गैसेज हैं, ठीक है। इसको अच्छे से याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, पर फ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, ये छः हैं, देख लीजिए आप, है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये छः मेन है। तो मेन 6 गैसेज हैं जो ये ग्रीन हाउस गैसेज, 6 याद रखिएगा और 6 के 6 नाम याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज GSP, GSP क्या होता है, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस, ये आपको याद रखना है। GSP का मतलब है जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस। अब ये है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि GSP है क्या एक्चुअली में। तो दिस इज अ ट्रेड प्रोग्राम, ये एक ट्रेड प्रोग्राम है, ये एक व्यापार की नीति है इन विच डेवलपिंग कंट्रीज, जिसमें क्या होता है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है, जो मतलब विकासशील देश हैं, हैव नॉट टू पे टैरिफ्स, उनको टैरिफ नहीं पे करने पड़ते हैं या ड्यूटीज नहीं पे करनी पड़ती हैं, या ड्यूटीज आर एलिमिनेटेड, ड्यूटीज को हटा दिया जाता है फ्रॉम एनी प्रोडक्ट, किसी भी प्रोडक्ट से, फ्रॉम मैनी प्रोडक्ट सॉरी, मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट से ड्यूटीज को या टैरिफ को हटा देता है, किस कंट्री के लिए, जो डेवलपिंग कंट्री यानी कि विकासशील कंट्री है। तो ये एक पॉलिसी है जो विकसित कंट्रीज के द्वारा अपनाई जाती है विकासशील कंट्रीज के लिए, किस लिए, टू प्रमोट इकोनॉमिक, क्या प्रमोट करने के लिए, क्या प्रमोट करने के लिए, इकोनॉमिक यानी कि ग्रोथ, कैसा ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट of these countries, export to industrial countries, मतलब कि जब developing countries, जैसे मान लीजिए developing country, जब ये developed country को, बहुत ही जो developed country उसको जब export करेगा, तो इनको कोई duty और tariff जो होता है उस पर छूट दी जाती है बहुत सारे items के ऊपर, जिससे कि इनका development अच्छे से हो सके। तो developed countries के द्वारा developing countries के लिए एक ट्रेड पॉलिसी बनाई गई, जिसको बोलते हैं GSP, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस। इसमें यह होता है कि भाई कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर से ड्यूटीज, टैरिफ ड्यूटीज और ये सब जो टैक्स वगैरह होता है वो सब हटा दिया जाता है, ताकि वो बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकें और अपना अच्छा इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकें। तो मेनली GSP किस लिए दोस्तों, इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ाने के लिए उन कंट्रीज़ का जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, किसके द्वारा, जो खुद डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके द्वारा, है ना, किसके द्वारा, इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज की तरह, जैसे जापान, रशिया, अमेरिका, ये सब मान लीजिए हमारे लिए, इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्री है, तो इंडिया के लिए इस तरह की पॉलिसी अप्लाई कर सकते हैं या करते हैं एक्चुअली में वो लोग, है ना। तो ये हो गया GSP, जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस, मतलब उनको प्रेफरेंस दिया जाता है, छूट दी जाती है कि आप भाई व्यापार करिए हमारे साथ और आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा, ताकि आपका भी अच्छे से इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके। तो ये बहुत अच्छी पॉलिसी है जो अपनाई जाती है डेवलप कंट्रीज के द्वारा डेवलपिंग कंट्रीज के लिए व्यापार में, ठीक है। अब दोस्तों ये लास्ट स्लाइड इस प्रेजेंटेशन का, इसमें हम क्या देखने जा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई एग्जाम से पूछा जाता है ये, हर एग्जाम में लगभग जहाँ भी GK GS करंट अफेयर्स आता है, चाहे बैंक हो, चाहे रेलवे हो, चाहे SSC हो, चाहे NDA हो, चाहे CDS हो,
ISPCS, देखिए बहुत मतलब बहुत सारे एग्जाम्स मैंने देखा इस क्वेश्चन को, ठीक है। कैश रिजर्व रेशो होता क्या है ये जानिए। अब द मिनिमम मनी विच कमर्शियल बैंक इन कैश और एज डिपॉजिट्स विथ सेंट्रल बैंक, जो मिनिमम मनी जो कमर्शियल बैंक को करना पड़ता है, रखना पड़ता है, एज टू कीप, किसमें, इन कैश में या डिपॉजिट में, विथ सेंट्रल बैंक एज CRR, इसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशो। यानी कि कम से कम वो मनी जो कमर्शियल बैंक को जमा करके रखना पड़ता है या कैश में रखना पड़ता है सेंट्रल बैंक के साथ, ठीक, उसी को बोलते हैं CRR। तो CRR इज सेट अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस ऑफ द सेंट्रल बैंक ऑफ अ नेशन। जो CRR होता है वो किसके द्वारा सेट किया जाता है, सेंट्रल बैंक, यानी जैसे हमारा RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो जो सेंट्रल बैंक होता है किसी भी कंट्री का, उसके द्वारा CRR सेट किया जाता है, ठीक है। इट इज़ यूज टू कंट्रोल मनी सप्लाई इन द इकोनमी। अब ये CRR किस लिए होता है, ये मनी कंट्रोल, मनी सप्लाई को कंट्रोल करने, इट इज़ यूज टू कंट्रोल मनी सप्लाई इन एन इकोनमी, ये मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है किसी भी इकोनमी में। तो अगर किसी भी इकोनमी में मनी सप्लाई को कंट्रोल करना हो तो क्या यूज़ करता है उस देश का सेंट्रल बैंक, CRR यूज़ करता है, कैश रिजर्व रेशो मतलब यूज़ करता है, ठीक है ना। अब क्या बोल रहे हैं, इंक्रीज इन CRR वैल्यू मीन्स, अगर मान लीजिए CRR वैल्यू बढ़ा दी जा रही है, कैश रिजर्व रेशो वैल्यू बढ़ा दी जा रही है, तो क्या होगा, द कमर्शियल बैंक विल हैव लेस मनी टू लेंड। ये आपको बहुत ही अच्छा सा कॉन्सेप्ट जो समझ लेना है कि भाई अगर मान लीजिए CRR वैल्यू बढ़ा दी गई तो जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनके पास कम पैसा होगा कि वो किसी को दे सकें, यानी कि मार्केट में पैसा कम जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सेंट्रल बैंक जब चाहता है कि भाई मार्केट में पैसा कम जाए तो CRR वैल्यू बढ़ा देता है, उससे क्या होता है कमर्शियल बैंक्स को जो CRR वैल्यू जब बढ़ जाएगी तो ज़्यादा अमाउंट डिपॉजिट करके रखना पड़ता है या कैश में रखना पड़ता है RBI के पास या सेंट्रल बैंक के पास। तो ज़्यादा पैसा कैश में रखना पड़ेगा, डिपॉजिट करके रखना पड़ेगा, तो वो किसी को कम पैसा लेंड कर पाएंगे, कम पैसा दे पाएंगे, तो उससे क्या होगा मनी सप्लाई कंट्रोल हो जाएगी। यानी कि एक कॉन्सेप्ट यहाँ सिंपल समझ लीजिए, अगर CRR वैल्यू बढ़ गई तो मतलब बैंक्स के पास कम पैसा होगा कि वो आपको लोन दे सकें, आपको कोई फैसिलिटी इस तरह की दे सकें या मार्केट में पैसा वो अपना लगा सकें। तो CRR वैल्यू बढ़ने का मतलब होता है कि बैंक को अपने पास ज़्यादातर पैसा रखना पड़ेगा या डिपॉजिट में रखना पड़ेगा सेंट्रल बैंक के पास, ठीक है। तो उससे क्या होगा, लेस मनी लेंड कर सकते हैं, विल हैव लेस मनी टू लेंड, LEND मतलब देना, उधार देना, है ना। जब CRR वैल्यू बढ़ जाएगी तो बैंक के पास कम पैसा होगा लेंड करने के लिए, मतलब देने के लिए, किसी को देने के लिए, मार्केट में लगाने के लिए, है ना। तो यानी कि CRR वैल्यू बढ़ने का मतलब है कि बैंक कम पैसा दे पाएंगे किसी को और मार्केट में कम पैसा जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है इस तरीके से कोई भी सेंट्रल बैंक, है ना। तो ये हो गया दोस्तों CRR रेशो, कैश रिजर्व रेशो, यानी कि वो पैसा जो कमर्शियल बैंक को कैश में या डिपॉजिट में रखना पड़ता है सेंट्रल बैंक के पास, तो इसके ऊपर डिपेंड करता है सब कुछ मनी सप्लाई, है ना। तो ये अलग से पूरा एक टॉपिक है, हम डिटेल में किसी प्रेजेंटेशन में डाल देंगे। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा जो भी टॉपिक आपको डिटेल में पढ़ना हो ना, जैसे मान लीजिए ये कैश रिजर्व रेशो, इसको अगर आप में डिटेल में पढ़ना चाहें मुझसे तो आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं आपके अलग अलग से प्रेजेंटेशन पूरा बना के अलग से इसके ऊपर 15-20 मिनट का वीडियो बना के डाल दूंगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डील किए हैं जो GK GS करंट अफेयर्स में पूछा जाता है किसी भी एग्जाम में, और आपको जो है ये बहुत हेल्प करेगा किसी भी एग्जाम में जहाँ भी GK GS करंट अफेयर्स पूछा जाता हो। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसको आप सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए ताकि सभी की हेल्प हो सके। दोस्तों हमारे चैनल पर बहुत सारे डिफरेंट एग्जाम्स के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ, और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो दोस्तों ये प्रेजेंटेशन यहीं ख़त्म होता है, जल्दी ही हम और ढेर सारे प्रेजेंटेशन लेके आएंगे डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए, डिफरेंट एग्जाम्स के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में, धन्यवाद।